यहीं पे ये क्वेश्चन में लिखा है ऑन व्हिच साइड विल द फॉलोइंग विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। अभी नीचे वाले आइटम दे रखा है उन्होंने आठ, उन्होंने बताया है कि ये जो अगर यही पर्टिकुलर अकाउंट और आइटम इंक्रीज करते हैं तो कौन सी साइड में लिखेंगे लेजर का, डेबिट में या क्रेडिट में, या जर्नल का डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे अगर इंक्रीज करता है तो। आप ये भी बताओ और अकाउंट का नेचर क्या है वो बताओ। तो हमने हेडलाइंस लिखा आंसर में, द आइटम्स इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग साइड विथ नेचर ऑफ अकाउंट्स आर, उस अकाउंट्स का नेचर भी हम बताएंगे, नेचर ऑफ अकाउंट। तो पहले लिख दो हेडलाइंस लिख दो, हम चार कलम बना लेंगे, लिखेंगे पहले में सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके हम हमें 8 तक लिखेंगे, और आइटम्स भी लिखेंगे, देर आर 8 आइटम्स। साइड मतलब जर्नल का डेबिट साइड में आएगा ना क्रेडिट साइड में आएगा, और नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट, सीरियल नंबर 1 फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट एक एसेट होता है, नेचर ऑफ अकाउंट में हम एसेट लिखेंगे, और ये फर्नीचर जब इंक्रीज करेगा, ऊपर बोला है हेडलाइन से में भाई अगर इंक्रीज करेगा तो बताओ ये कहाँ आएगा, तो फर्नीचर बढ़ेगा। मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज इन एसेट डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड में सोचेंगे, फर्नीचर एक एसेट है, एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में अंदर आ रहा है बढ़ रहा है, तो डेबिट व्हाट कॉम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। मैं दोनों तरीके में बताऊंगा, आई विल टीच यू इन मॉडर्न टेक्निक एज वेल एज इन ट्रेडिशनल टेक्निक, मॉडर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड दोनों में बताऊंगा। सेकेंड आपके है मोहन प्रोप्राइटर। मोहन कौन है ना, मालिक है, मोहन प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर आपके मालिक होता है बिजनेस का, तो इसीलिए वो कैपिटल हो गया, नेचर ऑफ अकाउंट हो गया कैपिटल। मॉडर्न मेथड में ये कैपिटल ना, ये अगर ये बढ़ता है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और इंक्रीज इन लायबिलिटी आता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि ऊपर हेडलाइन पे लिखा था ये बढ़ रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, तो बढ़ रहा है तो कैपिटल, कैपिटल इज क्रेडिट बैलेंस, और बढ़ेगा तो और क्रेडिट होगा, और बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे, पहले मैं मॉडर्न मेथड में बताया, कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, ओनर का होता है, तो इसलिए वो लायबिलिटी होता है, वो बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। बट अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में सोचें तो कैपिटल एक मतलब पर्सनल अकाउंट होता है, अगर वो बढ़ता है मतलब मोहन द ओनर उन्होंने पैसे बिजनेस में और लगाए, तो इंक्रीज क्रेडिट द गिवर अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। थर्ड होता है आपके, थर्ड अकाउंट इज सैलरी अकाउंट, सैलरी खर्चा अकाउंट है, तो नेचर ऑफ अकाउंट में एक्सपेंसेस लिखो, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है मॉडर्न मेथड में, और ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तीनों गोल्डन रूल से थर्ड रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अगर बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। फोर्थ होता है आपके परचेजेस अकाउंट, परचेजेस हमारा एक खर्चा होता है, क्योंकि हम गुड्स खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, तो इंक्रीज इन एसेट, ये परचेज हमारा एसेट भी है, मॉडर्न मेथड में एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। अगर ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेजेस बीइंग एन एक्सपेंसेस ये इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। फिफ्थ होता है सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है मॉडर्न मेथड में, और ट्रेडिशनल मेथड में होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड रेवेन्यूज, ट्रेडिशनल मेथड का थर्ड गोल्डन रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए अगर बढ़ रहा है सेल्स तो उसको क्रेडिट करो, साइड विल बी क्रेडिट एंड इट नेचर ऑफ अकाउंट इज रेवेन्यू। देन सिक्स्थ वन है हमारा इंटरेस्ट पेड अकाउंट,
हमने उन्होंने पूरा डायरेक्ट बता दिया, इंटरेस्ट अकाउंट खाली बता दे तभी भी इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, खाली इंटरेस्ट बता दो वो भी तभी पेड हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, पेड होता है, पेड हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस, नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंसेस। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड, अगर मॉडर्न मेथड में सोचें, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, हमने जब इंटरेस्ट पे किया हमारा खर्चा बढ़ गया तो हम उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट एक्सपेंसेस। अगर हम इसको ट्रेडिशनल टेक्निक में सोचेंगे तो थर्ड गोल्डन रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन सिक्स्थ के बाद आपके आया सेवेंथ, सेवेंथ इज योर सोहन क्रेडिटर, जिन्होंने हमें उधार पे गुड्स बेचा है, हमने उससे खरीदा है तो वो हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ये होता है मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मेथड, लायबिलिटी, क्रेडिटर और सोहन एक ही है, अगर वो बढ़ता है तो हेडलाइंस है, इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, तो भाई इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में सोहन इज ए पर्सनल अकाउंट और क्रेडिटर इज ए पर्सनल अकाउंट, और जो हमें देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तीनों गोल्डन रूल से पहला गोल्डन रूल, क्रेडिट ऑल, क्रेडिट द गिवर, फर्स्ट गोल्डन रूल, तो इसलिए सोहन का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। देन लास्ट बट द लिस्ट एट्थ, राम डेटर, डेटर वो होता है जिसने हमसे उधार पे खरीदा है, तो यानी हम बीइंग द बिजनेसमैन, इस क्वेश्चन के मालिक इस लगाओ, इस दुकान के ओनर पर समझो, तो हमने राम को उधार पे बेचा है, तो राम हमारा डेटर है, डेटर हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ये है मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में बोलता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, और इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ेंगे तो डेटर इज ए पर्सनल अकाउंट और वो हमसे गुड्स ले रहा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, हम उसको सेल कर दिया, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, या राम डेबिटेड टू सेल्स, तो राम अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है और वो रिसीव कर रहा है। तो ये फास्ट मॉडर्न मेथड में, फास्ट मॉडर्न मेथड में होगा इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, और अगर हम उसको ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे तो जो ओनर हमसे गुड खरीद रहा है, जो पर्सन, वो डेबिट द रिसीवर होगा, इसलिए राम डेबिटेड और डेटर डेबिटेड, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट में लिखेंगे। एंड दिस इज द फाइनल आंसर।